गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। जैसे कि दोस्तों आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में। दोस्तों आज हमारे कंपनी में इसी के उपलक्ष्य में काफ़ी धूमधाम से झंडारोहण होता है, तो गाइज़ आपको आज हम वही दिखाएंगे और बाकी कुछ भी। आज हम कहीं घूमने जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो गाइज़ आई होप आप वीडियो में बने रहो और आप इंजॉय करो। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कर चले हम विदा में अब चल रहे हैं रूम पे और शाम को हो सकता है कहीं जाने का प्लानिंग है, तो आपको वहाँ से वीडियो का सुनाई। जैसा है कि अभी शाम हो चुका है और हम फिलहाल में निकल चुके हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो हमारे यूपी और बिहार का बेस्ट खाना जो दाल बाटी चोखा होता है वो यहाँ मिलता है, तो उसी के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं और दाल बाटी चोखा आज हम जाएंगे। देखो कब आओगे। ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम एक जगह पेट्रोल पंप है ये, तो यहाँ पे रुके हुए थे, तो हमको सामने दिखा एक पानी पूरी, मतलब जो हमारे तरफ बहुत ज़्यादा फेमस है पानी पूरी, तो हम वही खाने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो गाइज आप देख सकते हो ये काशी है, पानी पूरी के लिए रुक गया, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। पानी पूरी पसंद है, भाई अपना पानी पूरी बना रहा है और हमारा बहुत फेवरेट है भाई, थोड़ा तीखा बनाना एकदम तीखा, तो मज़ा आएगा। तो गाइस आप देख ही रहे हो कि पूरा टी शर्ट उट शर्ट वर्ट बिक गया है, लेकिन अभी हम पानी पूरी के लिए रुके हुए हैं और भाई हमारा बना रहा है। अब पांडे देखो एकदम खड़ा होकर मौज मार रहा है, ये बिहारी बंदा है, पानी पूरी तो छोड़ेगा ना चाहे कुछ भी हो जाए। ये मराठी है तब भी इसको हिंदी आती है, मतलब हिंदी तो बोलता है, लेकिन इसको पानी पूरी कैसे खाने का मन कर दिया मेरे को ये नहीं पता। सबसे पहले यही बोला कि मेरे को पानी पूरी खाना है। तो गाइस अभी देखो हम बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन अभी भाई का पानी पूरी खा के यहाँ से जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस देख रहे हो हमारा जो प्लेट है वो लग चुका है और यहाँ पे झगड़ा भी हो रहा है दोनों बंदे के बीच में, तीखा और थोड़ा कम तीखा। ये थोड़ा कम तीखा खाता है और ये ज़्यादा तीखा खा रहा है, खाने के लिए बोल रहा है, इसीलिए दोनों का झगड़ा हो रहा है। तो गाइस हम अपना बन चुका है, तो अभी हम देखो हमारा जो पानी पूरी है वो मुंह में जा रहा है। हुँ।
तो गाइस देखो हमारा जो पानी पूरी है वो रेडी हो चुका है और हम खाने के लिए तैयार हैं। पानी पूरी खा चुके हैं और काफी तीखा तीखा हो गया, तो अब हम बाइक पे बैठते हैं और अपने ढाबा पे चलते हैं, रेस्टोरेंट पे, और दाल बाटी चोखा का मजा लेते हैं। गाइस जैसा है कि हम अभी अपने होटल पे पहुंच चुके हैं, बाबा रामदेव होटल, और यहीं पे हमारा जो यूपी बिहार का फेमस खाना है जो दाल बाटी चोखा, वो यहीं पे मिलता है और हम यहीं पे आए थे अपना जो दाल बाटी चोखा खाने के लिए। तो गाइस अभी तो भूख नहीं है और थोड़ा एक आध घंटे बाद हम यहाँ पे खाना खाएंगे, तब तक हम आपको कुछ गार्डन है, गार्डन का थोड़ा मज़ा लेते हैं, बच्चों का झूला है तो ये सब थोड़ा घूमते हैं और आपको कुछ शॉट दिखाते हैं। गाइस देखो हम अपने प्यारे से गार्डन में आ चुके हैं और झूला झूल रहे हैं फिलहाल में अपने मज़ा आ रहा है लेकिन यार ये कासे काफी मजा देखो गाइस अभी राइट साइड में रेम्बो बना हुआ था, अभी लेफ्ट साइड में रेम्बो बन चुका है। पहले ये रेम्बो इधर साइड में बना हुआ था, अभी ये इधर साइड बन गया है। तो दोस्तों ये देखो हमारे दो बंदर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बंदर क्या कर रहे हैं देखो ऊपर चला गया भाई, नीचे ला पांडे बंदर दोनों क्या कर रहे हैं देखो अब क्या करेगा काशी दोस्तों जैसा है कि हम अपना ऑर्डर दे चुके हैं दाल बाटी चोखा का और हमारा ऑर्डर अभी कुछ समय बाद आ जैसा है कि हमारा खाना हो चुका है और अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइस खाना तो हमने भरपेट खा लिया और अभी रूम पे चल के आपसे बात करते हैं। गाइस जैसा है कि हम अभी रूम पे आ चुके हैं और काफ़ी रात हो चुकी है, 10 बज गए हैं और फिलहाल में अब एडिटिंग करना है और सोना भी है। तो गाइस बस इतना ही था आज के ब्लॉग में, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा।